हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन ठीक है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है क्या डिफरेंस होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोशलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है ठीक है so, सो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि सोशलाइजेशन क्या है आपने कई बार सुना होगा कि कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे बेटा थोड़ा बात कर लिया करो इन से इनसे बात कर लिया करो थोड़ा सोशलाइज हुआ करो ठीक है टाइप ऑफ सोशल लर्निंग दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन इंटरैक्ट विद अदर इंडिविजुअल ये वो वाली सोशल लर्निंग है वो तब होती है जब एक पर्सन किसके साथ इंटरेक्ट करता है किसी इंडिविजुअल के साथ वो पर्सन इंटरेक्ट करता है दैट काइंड ऑफ लर्निंग इज़ कॉल्ड मतलब दैट टाइप ऑफ सोशल लर्निंग इज कॉल्ड सोशलाइजेशन जब हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं जानते हैं और इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट करके इट रेफर्स टू अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न टू बिकम मेंबर ऑफ सोसाइटी ना इन्होंने क्या बोला होता क्या है ना सपोज इफ देर इज़ अ पर्सन तो एक चीज़ होती है कि ठीक है वो पर्सन अभी मतलब पैदा हुआ कुछ टाइम पहले उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ एंड देन फाइनली अगर उसको सोसाइटी में अपने आप को सस्टेन करना है या रहना है तो उस पर्सन को इंटरेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है ठीक है तो यहां पर उसने बोला कि सोसाइटी में हम लोग इंटरैक्ट करें सोशल नॉर्म्स जिसे कहते हैं यू नो उसको हम लोग समझें वैल्यूज सॉरी वैल्यूज एक्सपेक्टेशन ये सारे सोशल स्किल्स धीरे धीरे सीखें एंड दैट ऑल इज कॉल्ड सोशल सोशलाइजेशन ठीक है दैट्स द फर्स्ट थिंग नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट इट इन्वॉल्व सेल्फ़ एंड पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट यानि हम खुद भी चेंज होते हैं हमारी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है दैट ऑल कम्स अंडर द सोशलाइजेशन प्रोसेस राइट सो सोशलाइजेशन का मतलब है जब हम धीरे धीरे एक सोसाइटी का मेम्बर बनना शुरू करते हैं बाय इंटरेक्टिंग बाय नो लर्निंग सर्टेन वैल्यूज़ कई चीज़ें सीख के सोशल स्किल्स को सीख के उसके अलावा सोशलाइजेशन अकर थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे होता है ये ह्यूमन इंट्रैक्शन के थ्रू यानी कि लोग आपस में बात करते हैं तो सोशल इंटरैक्शन या सोशलाइजेशन होता है ये एक तरीका है जिससे सोशल एंड कल्चरल कंटिनिटी अटेन की जा सकती है यानी कि आप अपने कल्चर को समझते हो एक सोसाइटी का पार्ट बनते हो दैट कैन बी अचीव बाय दिस थिंग राइट अ पर्सन लर्न नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी एक पर्सन जो होता है वो अलग अलग यू नो कायदे कानून वैल्यूज़ जो होता है सोसाइटी की वो सीखता है उसके अलावा सोशलाइजेशन एसेंशियली रिप्रेजेंट द होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ कोर्स एंड इज़ अ सेंट्रल इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर बिलीफ एंड एक्शन ऑफ एडल्ट एज वेल एज ऑफ चिल्ड्रन तो सोशलाइजेशन में क्या हुआ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा पूरा वो प्रोसेस जिसमें हम लोग कोई चीज़ लर्न करते हैं अपने पूरे लाइफ कोर्स में और हम लोग यू नो वी आर कंप्लीटली इन द इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर बिलीव्स एंड एक्शन ऑफ एडल्ट यानी कि एक तरह से अपने आप को एक सोसाइटी का पार्ट बनाना दैट ऑल कैन कम अंडर सोशलाइजेशन राइट तो ये पूरा एक प्रोसेस है जब हम यू नो एंटर करते हैं एक बड़े वर्ल्ड में और धीरे धीरे हम धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं समझते हैं लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं वैल्यू सीखते हैं कल्चर के बारे में जानते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट होती हैं नेक्स्ट अब मैं अगर बात करूँ वैसे तो हम इसको एक प्रॉपर एक वीडियो में और पढ़ेंगे जिसमें मैं और ज्यादा कैटेगरीज लेके आऊंगी बट फिलहाल वी आर गुइक टू स्टडी प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो मेन होते हैं उसमें डिफरेंस क्या है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सोशलाइजेशन सो आई टॉक अबाउट द प्राइमरी सोशलाइजेशन ये किसके बेसिस पे होता है द सोशलाइजेशन सेट द बेसिस फॉर ऑल द फ्यूचर सोशलाइजेशन यानी यहाँ पे इट्स द एकदम बेसिक जैसे कहते हैं ना एकदम बेसिक एकदम प्रीलिमिन्री प्रे, बिल्कुल बेसिक चीज़ है और ये चिल्ड्रन के लिए एक चाइल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है धीरे धीरे क्या करता है बच्चा एक जगह पे रहता है जहां पे वो स्टार्ट करता है लाइक जहां वो पैदा हुआ है वहां पे वो एटीट्यूड वैल्यू धीरे धीरे उसके अंदर आनी शुरू होती हैं धीरे धीरे चीजें उसको समझ में आती हैं किसी कल्चर की उसके आसपास के लोगों की सो दैट कम्स अंडर द प्राइमरी सोशलाइजेशन इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय द फैमिली एंड पीपल नियर टू द चाइल्ड इस पे किसका असर होता है फैमिली का और पीपल जो उस बच्चे के आस पास है ठीक है इट इज कॉल्ड प्राइमरी बिकॉज इट एट द स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ प्राइमरी एक कहने का ये भी मान लो आप रीजन क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में ये हो रही है दिस थिंग इज हैपनिंग इन द एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब बच्चा पैदा हुआ है बस थोड़ा मतलब बड़ा ही हुआ है अभी इसको इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ है ठीक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे आगे की लाइफ के एटीट्यूड को शेप देने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे हमें जाके कैसा यू you नो know, एक शेप मिलेगी कैसा हमारा विच, uh, मतलब व्यवहार रहेगा दैट ऑल कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग द प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट विन द चाइल्ड एंटर इन टू द वर्ल्ड एंड इट इज इन्फ्लुएंस बाय द पीपल अराउंड द चाइल्ड तो प्राइमरी सोशलाइजेशन तब स्टार्ट होता है कि सपोज देर इज़ दिस चाइल्ड जो अभी एक वर्ल्ड में एंटर हुआ है देर इज़ अ वर्ल्ड आउटसाइड दैट चाइल्ड और वो धीरे धीरे एंटर हुआ है और वो कई सारी चीज़ों को सीख रहा है समझ रहा है सो दैट कैन बी सेड एज़ प्राइमरी सोशलाइजेशन ठीक है उसके आसपास जो भी लोग हैं उनका डायरेक्ट असर यहाँ पे पड़ेगा इस मतलब उस बच्चे पे पड़ेगा जो भी उसके आसपास लोग हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे नाउ सेकेंडरी सोशलाइजेशन ये तब होता है जब बच्चा एक बड़ी सोसाइटी में एंटर करता है नाउ इट्स नॉट अबाउट द फैमिली इट्स नाउ द जो भी पर्सन है वो एक नए ग्रुप में एंटर कर रहा है कंप्लीटली नए ग्रुप का मतलब क्या हुआ वो ऑफिस भी हो सकता है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं वो कोई यूनियन भी हो सकती है कोई एजेंसी भी हो सकती है नाउ सेकेंडरी में वो पहले क्या था प्राइमरी में वो फिर भी जो आसपास के नोन लोग हैं उनसे डील कर रहा था लेकिन अब अगर बच्चा एकदम यू नो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आके उन लोगों से डील करता है हु आर स्ट्रेंज टू दैट मतलब उस पर्सन के लिए उस बच्चे के लिए वो स्ट्रेंज हैं और अभी वो बस सीखना ही है कि कैसे कोई भी चीज़ उसको हैंडल करनी है चाइल चिल्ड्रन आर अनकंडीशन सॉरी अनकंडीशनली लव्ड एंड एक्सेप्टेड ड्यूरिंग प्राइमरी सोशलाइजेशन क्योंकि प्राइमरी सोशलाइजेशन में अक्सर बच्चे को जो सपोर्ट सिस्टम है सबसे बड़ा वो फैमिली होता है उसका ठीक है लेकिन अब दिस इज़ नॉट द केस व्हाई बिकॉज अब उसको ऐसे लोगों के साथ डील करना है जिनके बारे में वो जानता तक नहीं है सो दिस इज गोइंग टू चेंज एवरी थिंग सेकेंडरी स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन इज द मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन जैसे कि स्कूल पेयर ग्रुप्स यूनियन एसोसिएशन एजेंसी जिसमें एक बच्चा प्लेस हो एंड इट इज गोइंग टू डू एवरी सिंगल थिंग हेयर ठीक है ये एक चीज हुई नाउ यहाँ पे डिफरेंट इसलिए है सबसे बड़ी बात पहले बहुत चीज़ें बहुत सारी चीज़ें उसने देखी हुई थी लोगों के साथ वो रह रहा था लेकिन यहाँ सिनेरियो बहुत चेंज हो जाता है तो सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन है वो उससे थोड़ा अलग एंड डिफरेंट है नेक्स्ट आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आपको एक भी पॉइंट क्लियर हुआ हो तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा इससे यू नो आई विल गेट दिस मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज उसके अलावा आप लोग ना प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट दिखेंगी आप उनमें जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं जो आपको लगे कि आपके काम की है ठीक है और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है या आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ बी एड और एम एड की या सी टेट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मैं कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो बनाऊ थैंक यू सो मच आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो